नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एक खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जिसके बारे में जिसके हौसले की सबने तारीफ की, जिसकी हिम्मत की सबने तारीफ की, उसकी बारी नहीं आई ब्रिस्बेन टेस्ट में, ये अच्छा हुआ। लेकिन अगर बारी आती ना तो वो खिलाड़ी अपने टूटे हुए अंगूठे के साथ भी खेलने के लिए तैयार था। और इस खिलाड़ी ने अब जो बयान दिया है, तो इंडिया आने के बाद कई न्यूज चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कई सारी बातें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है और आपके लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी है। रविंद्र जडेजा ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है कि आई वॉज ऑलरेडी पैडेड अप, हैड टेकन द इंजेक्शन एज वेल, यानी कि मैं बल्लेबाजी के लिए तैयार था, पैड किए हुए था और इंजेक्शन भी मैंने लिया हुआ था ताकि दर्द ना हो। सोचिए, टूटे अंगूठे के साथ वो देश के लिए, देश का मान बचा रहे, सम्मान बचा रहे, देश सीरीज जीत जाए या फिर बचाने की अगर बारी आए तो वो मैच बचा पाए, उसके लिए वो तैयार थे। इसके आगे उन्होंने कहा, आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट आई वुड बैट फॉर 10-15 ओवर्स एटलीस्ट एंड मेंटली प्लानिंग हाउ द इनिंग्स वुड पैन आउट। यानी कि उनके जहन में ये चल रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं कम से कम 10-15 ओवर खेलूं, कैसे खेलना है मैं उसके बारे में अपने मन में प्लान कर रहा था, कैसा बॉल आ रहा है, बाउंसर्स कैसे खेलूंगा, आगे का बॉल आएगा तो कैसे खेलूंगा, अंगूठे की दिक्कत ज़्यादा दिक्कत ना दे उस वैसे कैसे बैटिंग स्टाइल में करूंगा, क्योंकि आपको अपनी स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। आप जो बैक अंगूठा है उनका, उस हाथ से फिर आपको वैसे बैटिंग करनी थी, फिर कैसे शॉट्स खेलने हैं। अब जैसे सचिन को टेनिस एल्बो हुआ था तो कई सारे शॉट्स उन्होंने अपनी जो है शॉट बुक से हटा दिए थे, निकाल दिए थे, क्योंकि उस दर्द की वजह से वो शॉट खेल ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से जब जडेजा के यहाँ पर चोट लगी, बहुत सारे ऐसे शॉट्स थे जो वो नहीं खेल पाते, वही वो प्लान कर रहे थे, वही वो बता रहे थे। इसके आगे उन्होंने ये कहा कि विच शॉट्स टू प्ले, बिकॉज आई वॉट नॉट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्ले ऑल काइंड ऑफ शॉट्स विद द पेन फ्रॉम द फ्रैक्चर। यही बात जो मैंने आपको बताई वही उन्होंने फिर आगे कही। इसके बाद उन्होंने कहा, आई वॉज ऑल्सो कैलकुलेटिंग हाउ टू टैकल द डिलीवरीज फ्रॉम फास्ट बॉलर्स, वेयर वुड दे पिच द बॉल टू मी, आई वॉज प्लानिंग माई रोल फॉर वेन आई गो टू आउट टू बैट फॉर एटलीस्ट 10-15 ओवर्स। यानी कि वो यही बात कर रहे थे, वो सोच रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे कि तेज गेंदबाज जो है वो मुझे कैसा बॉल डालेंगे, कैसा बॉल डाल सकते हैं, जानते हैं कि मैं चोटिल हूं तो जानबूझकर मुझे बाउंसर्स भी डालेंगे, मुझे कैसे खेलना है, ये सारी चीजें मेरे जहन में चल रही थी और कम से कम मैं प्रिपेयर था कि 10-15 ओवर तो अपनी टीम के लिए मैं निकाल दूंगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मतलब जडेजा भी उसमें बहुत खुश थे कि उनको तो उनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई और सारा काम, बाकी का काम जो है वो रविचंद्रन अश्विन और हनुमा विहारी ने कर ही दिया था, उनकी जो है वो बल्लेबाजी ही नहीं आई। तो ये अच्छा था कि उनकी बल्लेबाजी नहीं आई, आती तब भी वो मैच बचाने के लिए खेलते, ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। ये दिखाता है यार कि यार जडेजा के लिए सम्मान और बढ़ जाता है जहन में, कि देश के लिए वो त्याग करने को तैयार थे। ये बड़ा हिम्मत वाला फैसला होता है, बड़ा हौसले वाला फैसला होता है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और वो तो राजपूत हैं तो जिगरे की तो खैर कोई कमी ही नहीं है। लेकिन यार टूटे हुए अंगूठे के साथ सोच के भी जहन में आ जाता है यार इतना कितना दर्द हो रहा होगा। हालांकि इंजेक्शन ले लिया था और इंजेक्शन लेने पे क्या होता है आपको पता है, वो पूरा सुन्न पड़ जाता है, पर आपको फील भी नहीं होता है। जैसा कि हनुमा विहारी ने कहा कि मुझे तो अपना दायां पैर फील ही नहीं हो रहा था कि मेरे पास पैर भी है, मैं बस बाएं पैर से खेल रहा था और दायां पैर कहां जा रहा है, क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था। ऐसे ही जडेजा के साथ भी था कि अंगूठे में जब उन्होंने पूरा इंजेक्शन ले लिया था वो पूरा पार्ट सुन्न था ताकि दर्द महसूस ना हो, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि देश के लिए वो खेलने के लिए तैयार थे। तो कैसी लगी ये स्टोरी बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो लाइक होगा ये जडेजा के लिए लाइक होगा, उनके हौसले के लिए, देश के लिए, जो उनके जहन में है, जो उनके मन में है, उसके लिए ये लाइक होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।